यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नारायण आचार्य। खबरें अभी तक के सबसे खास पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्य चक्र के बारे में। आज हम बात करेंगे होलास्टक के बारे में। होलास्टक क्या होता है, होलास्टक को अशुभ क्यों माना जाता है, और होलास्टक कब शुरू होंगे, और होलास्टक कब तक रहेंगे, और होलास्टक में क्या क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नंबर एक दोस्तों, होलास्टक जो है 23 फरवरी सन 2018 से शुरू हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं, और होलास्टक आने वाली 1 मार्च तक चलेंगे। 1 मार्च सन 2018 तक होलास्टक रहेगा। होलास्टक का सबसे बड़ा अर्थ क्या है कि होली से 8 दिन पहले जितने भी शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं वो क्लोज हो जाते हैं। शुभ कार्य जो क्लोज होते हैं इसके ऊपर मैं कंटिन्यू चर्चा करूंगा। शुभ कार्य के विषय में बताऊंगा कि क्यों नहीं करने चाहिए। होली के जो दिन हैं उनको कहते हैं कि जले हुए दिन हैं। होली के बोलते हैं कि जले हुए दिन है। होली के 8 दिनों के अंदर कोई गाड़ी खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, मुंडन संस्कार है, विवाह शादी है, कोई मकान खरीदना है, कोई शुभ कार्य करना है, वो हमें नहीं करना चाहिए। और ये प्रथा होलिका दहन के साथ में जो प्रह्लाद को जलाया जाता है उसके दुख के अंदर ये 8 दिन मनाए जाते हैं। आपको पता है प्रह्लाद ने एक बात कही थी कि मुझे स्तंभ में भी भगवान दिखते हैं, आप में भी पिताजी भगवान दिखते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई हुए थे तो राक्षस प्रवृत्ति के थे। तो एक विषय की बात है कि होलास्टक जो लगे वो इस विषय में लगे कि जो विष्णु भगवान का भक्त है वो बच गया और होलिका जो है वो जल गई थी। होलिका के पास वरदान भी था ना, कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि आप अग्नि से नहीं जल सकती। लेकिन अगर वो उसे ये भी बताया था कि गलत काम अगर करोगी तो आप जल जाओगी। तो दोस्तों पॉइंट क्या है, होलिका दहन जो 8 दिन चलते हैं इसमें प्रह्लाद और होलिका का ये त्यौहार है, इसके अंदर होलिका जल जाती है। और ये होलिका दहन इस बार 1 मार्च सन 2018 को पूर्णमासी के दिन ये मनाया जाएगा। वृक राशि का चंद्रमा रहेगा, पूर्णमासी का दिन रहेगा। और इस दिन दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूँ आपको, बड़ा जबरदस्त उपाय है। उपाय क्या करना है, उपाय अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र किसी प्रकार की क्रिया की हुई है तो 23 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी सन 2018 से लेकर के 1 मार्च के बीच में जितने भी मंगलवार, एक मंगलवार आ जाएंगे एक शनिवार आएंगे, इसके बीच में मंगल और शनिवार के दिन ये उपाय आप कर लीजिएगा। सिर्फ 2 बार करना है। आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, नजर है, किया कराया, कष्ट है, वो खत्म हो जाएगा आपका। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं तंत्र प्रयोग की। 23 तारीख को होलास्टिक प्रारंभ होंगे, 24 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग है, और 26 तारीख को आमल की एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। उपाय क्या है, मंगलवार और शनिवार जो भी 23 तारीख से लेकर के 1 मार्च के बीच में जो भी आपके मंगलवार और शनिवार आएंगे उस दिन आपने क्या करना है, या वैसे तो किसी दिन भी कर सकते हैं, सायंकाल के समय में कर सकते हैं, प्रातःकाल के समय में कर सकते हैं, आपने एक खाली मिठाई का डब्बा लीजिए। खाली मिठाई के बॉक्स के अंदर आपने 4 मुखा आटे का दीपक रखना है, एक पापड़ रखना है, पापड़ के ऊपर आटे का दीपक रखना है, थोड़े से उड़द रखने हैं, 7 चम्मच थोड़ी थोड़ी चम्मच, मतलब एक बार थोड़ा दही, दूसरी बार दही, 7 बार थोड़ा थोड़ा दही रख लीजिएगा बॉक्स में। 4 मुखा दीपक जला दीजिए और 7 चिमटी सिंदूर, 7 चुटकी सिंदूर थोड़ा लेकर के दीपक के अंदर या बॉक्स के अंदर डिब्बे में डाल दीजिए। मिठाई का खाली डिब्बा, दोबारा समझ लीजिए, एक पापड़, पापड़ के ऊपर 4 मुखा सरसों के तेल का दीपक जलाना है, बाएं हाथ से जलाना है, बाएं हाथ से सिंदूर डालना है 7 बार, और क्या करेंगे,
जलाने के पश्चात आपने प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र किया करवाया, कोई असर है, कोई ऊपरी बाधा है, किसी प्रकार का भी कोई दोष है, किसी की कोई गंदी नजर लगी हुई है, वो उतर जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे शक्ति बख्शे। कोई वहम नहीं, सिंपल साधारण उपाय है दोस्तों, करना है। करने के बाद में आपका कोई सगा संबंधी हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, भतीजा हो, बेटा, बेटी, बहू, कोई भी हो, उनके हाथ से आपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, सिर के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज आपने 7 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, और घुमाने के बाद में वो आपके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड के ऊपर रख देंगे। आपने उसे नमस्कार करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, अपने घर से बाहर निकल के घर के ही बाएं कोने में लेफ्ट दरवाजे पे आप रख दीजिएगा। जब आप रख देंगे, जब घंटे, 2 घंटे 4 घंटे बाद दीपक जब बुझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जब दीपक शांत हो जाएगा, तो पूरा बॉक्स आपने उठाना है और कहीं जाकर के पीपल के पेड़ की जड़ में रखाइएगा। बस ये उपाय आप कर लीजिएगा, बस कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं कहता, सारा तंत्र मंत्र आपका खत्म हो जाएगा। उपाय शानदार है, रिजल्ट शानदार मिलेंगे। 2 मार्च को होली मनाई जाएगी, रंगों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार। उस दिन खूब अच्छे से इंजॉय कीजिएगा, भाईचारे का प्रेम एक दूसरे को सबको लगाइएगा, जो गिले शिकवे उन्हें दूर करके आप रंग लगाने के बहाने उनसे मिलिएगा। कोई पुराने अगर कोई आपके कोई गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कीजिएगा। होली का त्यौहार इसीलिए भी मनाया जाता है कि फाग बसंत है, फाग बसंत के दिन बहुत सारे लोग गिले शिकवे दूर करते हैं, रंग लगाते हैं, मिठाई बांटते हैं एक दूसरे को। तो दोस्तों ये एक तंत्र मंत्र दूर करने के लिए उपाय है। और जो 8 दिन इन 8 दिनों के अंदर जनरली गाड़ी खरीदना, मशीनरी खरीदना, कोई शुभ कार्य करना वैसे मना है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, ये भी जो सतलुज नदी के किनारे पे जो लोग रहते हैं या पुष्कर नदी के किनारे पे जो रहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये मना किया गया था किसी कारणवश, लेकिन जनरली अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, विदेश में रहते हैं, आप कर सकते हैं, या आप सतलुज से या पुष्कर नदी से दूर रहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई वहम नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि सब जगह पर ये शुभ कार्य मना नहीं होते दोस्तों। ठीक है नारायण जी, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे जुड़े, और सब लोगों ने कमेंट किए और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और सब जो लोग शेयर करते हैं पूरा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि होलिका का पूरा इस पर मैंने पूरा चैप्टर दिया है और पूरा होलिका दहन के विषय में बताया है। 1 मार्च को होलिका दहन होगा सायंकाल के समय में, और होलिका दहन की जो विभूति होती है दोस्तों, एक बात और बता दूं, होलिका दहन में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपने क्या करना है, थोड़े अनाज लेके जाइएगा, 7 प्रकार के अनाज अगर लेके जाते हैं और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के जलती हुई होलिका में डाल देते हैं, और वहां से जो थोड़ी विभूति होती है वो लेके आइएगा, अपने माथे पे लगाइएगा, अपने कंठ पे लगाइएगा, कान पे लगाइएगा, वो बबूती भी बड़ी चमत्कारी होती है, बड़ी प्रभावशाली होती है। अपने दुकान में, बिजनेस में, वहाँ पर भी पानी में घोल के अगर चिंटा लगा दोगे तो उससे भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी दोस्तों। बड़े शुभ उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, और उपाय बड़े ज़बरदस्त हैं दोस्तों। ये उपाय मेरे अपने उपाय हैं, मेरे कॉपीराइट है, मेरा अपना अधिकार है। अगर कोई इस उपाय को तोड़ मरोड़ करके और कोई पेश करता है दोस्तों, तो आप मुझे बताइएगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल हमारे उपायों को कॉपी करके आगे से आगे आगे से आगे बनाने शुरू कर चुके हैं। ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 22 साल की तपस्या के पश्चात ये उपाय आप सबको दे रहा हूं दोस्तों। खैर चलो नारायण जी, आप लोगों ने ध्यान रखना और ये उपाय अधिक से अधिक शेयर करने, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने है, लाइक करने है, कमेंट करने है। पंडित जी को आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी दोस्तों, नमो नारायण जी।
यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। बात करेंगे होलिका दहन के ऊपर, होलाष्टक के ऊपर। होलाष्टक क्या है, क्यों लगते हैं, कब तक लगेंगे और होलाष्टक में वो कौन से शुभ कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दोस्तों, 23 फरवरी सन 2018 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं और 1 मार्च सन 2018 तक होलाष्टक लगे रहेंगे। होलाष्टक में 23 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन क्या है, छड़ी स्टिक जो है वो स्थापित की जाती है, 2 स्टिक स्थापित की जाती हैं और ये होलिका दहन वाले दिन 8वें दिन जो है 1 मार्च को होलिका जब जलाई जाती है तो उसमें से एक होलिका जो है वो जल जाती है और दूसरी स्टिक जो प्रह्लाद के स्वरूप में होती है वो बच जाती है। उसकी खुशी में होलिका मनाई जाती है, उसी खुशी में फाग बसंत मनाया जाता है। होलिका के जो ये 8 दिन होते हैं इसके अंदर तंत्र मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्रों का असर कराते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर जलस की वजह से गलत इफेक्ट करते हैं, गलत उपाय कराते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे उपाय बताऊंगा, इन 8 दिनों का आप सदुपयोग कर लीजिए, आपके सारे तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा सब कुछ खत्म हो जाएगी दोस्तों, जड़ से कर लीजिए। बस शानदार उपाय बता रहा हूं, महा उपाय बता रहा हूं, ऐसा उपाय जो सारे तंत्र मंत्र किया क्रिया जो भी कुछ भी किया कराया होगा, गंदी से गंदी नजर हो, टोना टमचर हो, ऊपरी बाधा हो, खत्म हो जाएगी। आप विश्वास करें या ना करें लेकिन बहुत सारे लोगों को ये परेशानियां रहती हैं। आप कहते हैं कि भूत प्रेत किसने देखा, मैं इस पर एक बात करूंगा 2D और 3D और 4D के ऊपर। जो हमारी नॉर्मल आंखें हैं दोस्तों, जो हम देख पा रहे हैं, आप और हम जो जनरली देख पा रहे हैं, ये है 2D। आप एक मूवी देखने जाते हो, आपको एक चश्मा दिया जाता है, एक स्पेक्स दिया जाता है कि वो पहनने के बाद में आप 3D मूवी देख सकते हो। अगर वो ना पहने तो आप 3D मूवी आपको क्लियर दिखाई नहीं देती, धुंधलापन रहेगा, स्क्रीन पे क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जब 3D का आप एक चश्मा लगाते हैं और आपको 3D दिखाई देती है दोस्तों, इसी तरीके से 4D है, 5D है, 6D, 7D, बहुत सारी डी है, कितनी डी है कोई एंड नहीं है। एक ऐसा डी आता है जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों 3D के बाद जब 4D और 5D का लेवल जिनका आ जाता है वो लोग देखते हैं, विचरण करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे और आपके अलावा यहाँ पर तीसरा और कौन है। ये चीजें दुनिया में सत्य हैं, होती हैं, चीजें सब है जिसका भगवान ने नाम बना दिया। जो चीजें इस संसार के अंदर जिसका नाम है इसका मतलब उसका वजूद जरूर है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आज होलिका दहन के ऊपर। 23 फरवरी चंद्रमा वृक्ष राशि का होलास्टिक प्रारंभ हो रहे हैं और आज अन्नपूर्णा तिथि भी है, अन्नपूर्णा अष्टमी है और सीताष्टमी भी है। 23 तारीख के बाद में 24 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग भी आ रहा है और 26 तारीख को आमल की एकादशी व्रत भी मनाया जाता है। दोस्तों उपाय क्या है, 23 तारीख से लेकर के 1 मार्च के बीच में जो भी मंगलवार या शनिवार आए, 2 बार आएंगे, एक मंगल आ जाएंगे, एक शनिवार भी आ जाएंगे, ये दोनों दिनों में आपने एक उपाय करना है। एक खाली मिठाई के डिब्बे के अंदर एक पापड़ रख के, पापड़ के ऊपर आपने एक चौमुखा आटे का दीपक रखना है, सरसों के तेल से जलाना है, बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से जलाना है आपने, थोड़ा दही डालना है उसमें, 1-1 चम्मच करके 7 चम्मच दही डाल दीजिएगा और बाएं हाथ से 7 चुटकी सिंदूर डालना है आपने। जब सिंदूर डालेंगे तो यह प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, कोई तंत्र बाधा है, किया कराया है, कोई ऊपरी बाधा है, मेरे या मेरे परिवार पर कोई कष्ट है, वो प्रार्थना करते हुए 7 चुटकी सिंदूर आपने डिब्बे के अंदर डाल देना है। खाली मिठाई का डिब्बा, एक पापड़, पापड़ के ऊपर चौमुखा आटे का दीपक और दीपक जलाने के साथ में सिंदूर, हो सके तो आप मिठाई का एक टुकड़ा भी साथ रख दीजिएगा और 1 रुपए का सिक्का साथ रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, आपके घर में कोई दूसरा सदस्य है, भाई है, बेटा है, बहन है या कोई भी आपका ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति, कोई भी घर का इंसान है, वो उस डिब्बे को आपके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाए,
सात बार घुमाने के बाद आपके हाथ में दे दे डिब्बा, आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। अब आप घर से बाहर जाएं और कोई पेड़ की जड़ के अंदर रख दीजिए उसे। जैसे ही आप रख के आएंगे दोस्तों, आने के पश्चात हाथ धो लीजिएगा, मुंह धो लीजिएगा, पैर धो लीजिएगा, मान के चलिए बस सारी समस्या खत्म हो गई आपकी। जितना मर्जी बड़ा तंत्र हो कर लीजिएगा, आप याद करोगे नारायण जी के उपाय को। इतना जबरदस्त उपाय है नारायण जी, आपसे बोल रहा हूं, आपके ऊपर नजर लगी हुई है तो कर लीजिए ये उपाय। किसी प्रकार का वहम है, बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आती, स्ट्रेस ज्यादा है, ये उपाय कर लीजिए, होलास्टिक का फायदा लीजिए। और मंगल शनि को समय ना भी मिले तो 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में कभी भी सायंकाल के समय में या प्रातःकाल के समय में आप कर लीजिए, उपाय कीजिएगा, रिजल्ट बड़ा शानदार मिलेगा। थोड़े उड़द की दाल भी अगर रख दो तो बहुत मजा आ जाएगा, उड़द की दाल अगर साथ में डाल दो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे बताया वैसे कर लीजिए, करिएगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, रिजल्ट शानदार है। दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य शक्तिशाली उपाय है, ऐसा उपाय जो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम आपको। पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइएगा, हो सके तो, उपाय शानदार है, कीजिएगा। दोस्तों कमेंट जरूर किया करें और पूरे प्रोग्राम को, पूरे वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए। शानदार उपाय है, पंडित जी को आज्ञा दीजिए दोस्तों। और अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो चंडीगढ़ के अंदर आप नारायण जी से मिल भी सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नारायण जी आप समय नहीं देते, दोस्तों बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, बहुत सारा शेड्यूल टाइट होता है, समय की कमी की वजह से थोड़ा बहुत समय नहीं दे पाते, पर जैसे ही समय लगता है आपके कमेंट का भी जवाब देंगे और आपको समय भी देंगे। नमो नारायण जी दोस्तों, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।